सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और साथ में डिस्कस करते हैं भाई इरकॉन इंटरनेशनल को लेकर। कल के दिन आपने देखा होगा इन दोनों शेयरों में काफ़ी शानदार माहौल बनते हुए नजर आए थे। इसकी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC की बात करें तो 75.65 रुपये पर जो शेयर वो ऊपर में हमें जाते हुए नजर आया, लगभग 6.5% के करीब शानदार तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली। और इस तेज़ी के पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या था वो आपको पता ही, मैंने दोपहर की वीडियो में आपको बता दिया, सुबह की वीडियो में कि आखिरकार स्टॉक में रैली क्यों बनी है। एक तो मार्केट में तेज़ी, ठीक है, पीछे से आप लोग देखो काफ़ी टाइम हो गया इसके अंदर जो डिलीवरी उठ रही थी वो काफ़ी शानदार उठ रही थी। डिलीवरी के साथ साथ आप लोग देखोगे एक चीज़ और हमें देखने को मिली कि इस शेयर में जो फॉल हुआ ऊपर के वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो ऐसे में आप लोग देखोगे स्टॉक में रैली बनना लाजमी थी और उस तेज़ी के साथ साथ आप लोग देखोगे जो अदर रेलवे कंपनियाँ हैं, ठीक है, उनको काफ़ी अच्छे जो ना भी ऑर्डर भी मिल रहे थे। तो इन्हीं सब के चलते आप लोग देखोगे इस शेयर में भी हमें जो ना भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। फंडिंग का काम करती तो इसलिए आप लोग देखोगे उन कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे तो पैसे देने का काम कौन करती है, फाइनेंस पर या फिर लोन पर, तो यही कंपनी देगी ना उनको पैसे, तभी वो प्रोजेक्ट पूरे होंगे। तो इसीलिए यही तो इसकी कमाई है, तो तभी तो आप लोग देखोगे उनको जितने ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते हैं ना भाई, इतना ही बेनिफिट आप लोग देखोगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को होता है। तो पीछे आपने देखा होगा अभी जो आरविंद है इसने दो ऑर्डर विन किए थे, सैटरडे के दिन न्यूज़ आई थी शनिवार के दिन। उसके बाद आप लोग देखोगे भी और सा इरकॉन इंटरनेशनल है या फिर आप लोग टीटागढ़ रेल सिस्टम है, इन सभी कंपनियों जो लगातार ऑर्डर मिल रहे थे रेल रेल कॉरपोरेशन, उनका बहुत अच्छा बेनिफिट इन कंपनी को होता है। तो चलिए अब देख लेते भी आज इसके क्या कुछ मोमेंटम बनेंगे। कल के दिन तो शानदार रैली रही है, 8.95 करोड़ के करीब स्टॉक में अच्छी खासी वॉल्यूम भी आते हुए नज़र आई है। तो सबसे पहले RSI MFI की बात करें तो RSI MFI आपको ठीक ठाक रेंज में 58 पर RSI और MFIS 38 के आसपास। वहीं PE की बात करें तो PE रेशो भी इसका काफ़ी शानदार है, 16 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छी रेंज में है, ठीक है। तो 15 के ऊपर में हो या फिर 15 के आसपास हो तो बहुत अच्छी रेंज में माना जाता है। चलिए अब देख लेते भी इसका डाटा वगैरह, फिर इसके चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सबसे पहले जो इसका डाटा वगैरह देखने को मिल रहा है वो कैसा, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी इसकी, 71.15 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग के बाद ओपनिंग कहाँ पर है, 71.40 पर, ठीक ठाक हमें ओपनिंग होते हुए नजर आई। फिर स्टॉक नीचे में गया 71.35 तक, फिर स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, स्टॉक फिर 76.25 के हाई लगाते हुए नजर आया है। ऐसे में आप लोग देखोगे US मार्केट है या फिर यूरोपियन मार्केट है, उन्होंने भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, तो मार्केट में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला हमारी भी, और आज के दिन भी आप लोग देखो उछाल आ सकता है। बाय के लिए जो ऑर्डर लगा हुआ वो 2537 क्वांटिटी का, डिलीवरी पोजिशन आप लोग देखोगे भी 26% के करीब डिलीवरी उठी, डिलीवरी आप लोग और दिन से फिर से कम आ चुकी है भाई, ठीक है, जो पहले उठी थी वही आ चुके हैं। लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अभी जब लगातार गिरावट हो रही थी स्टॉक में तब डिलीवरी जो उठी थी 40%, ठीक है, 40% के ऊपर में उठ रही थी। तो चलिए अब देख लेते भी इसका चार्ज। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे चार्ट की अगर मैं बात करूँ, नीचे में सपोर्ट वगैरह मैंने आपको कल की वीडियो में बताए थे, इंट्राडे वाले जो भी थे उनके लिए 73.85 रुपये का सपोर्ट था जिन्होंने एंट्री लेनी थी। उसके बाद आप लोग देखोगे नीचे में जो अच्छा खासा सपोर्ट है वो 71.25 रुपये का बना हुआ है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान स्टॉक ने इसको नीचे में काट दिया था, आपने देखा भी होगा, लेकिन उसके बावजूद आप लोग देखोगे स्टॉक फिर से उसी से एक गैपअप ओपनिंग ली, ठीक है, और गैपअप ओपनिंग के बाद आप लोग देखोगे कल के दिन स्टॉक में काफ़ी शानदार माहौल बनते नजर आए हैं और ये ऊपर में आपको अच्छे खासे मूवमेंट दिखाते हुए नजर। ऐसे में अगर ये 78.25 रुपये को ब्रेक करता है या फिर हमारा फर्स्ट टारगेट आप इसे लगा सकते हो, जो भी निवेशक इसके अंदर जो ना भी नीचे के भाव से एंट्री लेते हुए नजर आए, तो 78.25 रुपये को ब्रेक करता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर ये शेयर आपको ऊपर में दिखा सकता है टारगेट 82 रुपये के आसपास के। तो ये इसके लेवल रहेंगे, स्टॉक फिर से अपने उसी रेंज में आ चुका है। मैंने आपको एक बात पहले बोला, जब भी किसी भी स्टॉक में मार्केट की वजह से फॉल बनना भी उसके अंदर जो ना भी रिकवरी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आती है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे परसों के दिन मंडे के दिन स्टॉक में मार्केट की वजह से आप लोग देखो गैप डाउन ओपनिंग, फिर उसके बाद शेयर और टूटा, टूटने बाद जो शेयर है वो रिकवरी भी लेते हुए नजर आए उतनी ही तेजी के साथ, एक दिन के अंदर अंदर वो रिकवरी आ गई है और ये स्टॉक आज आप लोग देखो फिर से एक अच्छे माहौल में है, तो स्टॉक में फिर से एक अच्छे खासी मोमेंटम बन सकते हैं। ध्यान रखना नीचे में सपोर्ट वगैरह के ऊपर फोकस आपका रहना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं भाई हमारा सेकंड स्टॉक, देखो बाय सेल की मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको हर वीडियो में यही बोलता हूँ क्योंकि पैसे आपके लगते हैं भाई, मुनाफा होगा तो आपको होगा, अगर नुकसान होगा तो आपको होगा, इसलिए खुद की रिसर्च एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं भाई इरकॉन।
तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कौन में भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 3.5% के आसपास जो शेयर है वो उछला है, ठीक है। और 9.2 मिलियन की वॉल्यूम यानी 92 लाख के करीब वॉल्यूम भी अच्छी खासी आते हुए नजर आई है। इस स्टॉक में भी आपने देखा होगा अभी जब मार्केट में फॉल हुआ मंडे के दिन, तो ये शेयर भी बिग करेक्शन पर दिखाई दिया, ठीक है। आपने देखा होगा जो अरब देश है उनके साथ, और आप लोग देखोगे वहाँ पर दूसरी तरफ जो अमेरिका है उसके साथ जो ये समझौता हुआ था, तो ये वहाँ पर जो युद्ध चल रहा है भाई, ठीक है, तो इजराइल और फिलिस्तीन का, तो उसका असर स्टॉक के ऊपर हो सकता है, ठीक है। वो होया भी है, आपने देख भी लिया होगा, स्टॉक के ऊपर नहीं पूरी मार्केट के ऊपर असर रहा है। तो इन दिनों मार्केट हमें जो है अभी एक तरफ जाती हुई नज़र नहीं आएगी, या फिर आप सोचो भी अप ट्रेंड में चलेगी या फिर डाउन ट्रेंड में चलेगी या फिर आप लोग साइडवेज चलेगी, ऐसा नहीं होने वाला। मार्केट अप एंड डाउन करती रहेगी जैसे रशिया यूक्रेन के युद्ध के टाइम हुआ था, तो थोड़ा ध्यान रख के चलना स्टॉक के साथ भी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी RSI MFI 52 and 60 के आसपास, प्लस जो इसका PE है ये 16 के आसपास है, बहुत अच्छी रेंज में भाई। साथ में आप लोग देखोगे लगभग 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और 32,000 करोड़ के आसपास की इसकी ऑर्डर बुक भी है, ठीक है। तो कंपनी के पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम है आगे के लिए, पेंडिंग है, आपने देख भी लिया होगा। तो ये आगे लॉन्ग टर्म के बारे में अगर सोचो तो बिजनेस के ऊपर थोड़ा फोकस किया करो, फिर आगे के बारे में चलना आई थिंक बेस्ट रहता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अभी इसका जो डाटा वगैरह वो कैसे, फिर चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे बिटकॉइन के रिलेटेड जो डाटा देखने को मिला, 132.90 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग थी, ओपन हुआ 134 गैप अप के साथ, फिर स्टॉक नीचे में गया, सॉरी यही इसका जो अभी लो रहा है जो ओपनिंग हुई है, उसके बाद तो शेयर ऊपर में 139.60 रुपये के हाई लगाते हुए नजर आए, जो कि काफ़ी अच्छी मोमेंटम स्टॉक में बने थे। और वहीं आप लोग देखोगे नीचे में एक छोटा सा सेल ऑर्डर लगा हुआ 110 क्वांटिटी का, डिलीवरी पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो इस गिरावट में आप लोग देखोगे डिलीवरी बहुत ज़्यादा कम उठती हुई नजर आई है, तेजी में सॉरी, तो यहाँ पर 22.5% के करीब डिलीवरी उठी है भाई। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये शेयर हमें जो ना अभी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाते हुए नजर आया, गैप अप के साथ ओपनिंग, फिर उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम, लेकिन ये रिकवरी नहीं दे पाया, जहाँ से टूटा वहाँ तक अभी तक नहीं गए हैं। आप लोग देखोगे 140 रुपये ऊपर में था जब शेयर मंडे के दिन फॉल हुआ ना, गैप अप के साथ ओपनिंग और गैप अप के साथ ओपनिंग गैप डाउन के साथ सॉरी, और फिर जो शेयर है वो नीचे में आपको एक ज़बरदस्त करेक्शन दिखाते हुए हमारे सारे सपोर्ट तोड़े, लेकिन यहाँ से आप लोग देखोगे फिर से स्टॉक में एक अच्छा खासा गैप अप हमें देखने को मिला। इस गैप अप के चलते ये शेयर जो ओपनिंग हुई 133.70 रुपये जो हमारा सपोर्ट था इसके ऊपर में आते हुए नजर आया था, फिर वहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक में कितने शानदार मोमेंटम बनते हुए नजर आए हैं। ऐसे में यहाँ पर अगर जिसकी होल्डिंग है तो 133.70 रुपये का जो इसके नीचे में सपोर्ट है ये अभी बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये नीचे में टूटे तो भाई देखो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक में फिर से अच्छे खासे मोमेंटम बने हैं। तो जब भी किसी भी स्टॉक में मार्केट की वजह से फॉल आए तो मार्केट में फिर से अगर रिकवरी बनती तो इन शेयरों में भी तेज़ी बनती है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। तो यहाँ पर आप लोग मार्केट में फॉल बना उसके चलते स्टॉक में गिरावट, अब फिर से आप लोग स्टॉक में अच्छे खासे मोमेंटम है, तो ये शेयर में भी 140 रुपये 40 पैसे को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर से उसी रेंज में आएगा, फिर इसका ऊपर में टारगेट रहेगा 147.65 रुपये का, और नीचे में फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 140.40 का, और सेकंड रहेगा नीचे में 133.70 रुपये। तो ये इसके भी मूवमेंट बन रहे हैं, इनके ऊपर फोकस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बाय सेल की मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ताकि इन स्टॉक के रिगार्डिंग कोई अपडेट आए वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।